आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के युवा सन्यासी जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उन्हें सभी प्यार से नरेंद्र कहते थे। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। छोटी उम्र से ही स्वामी जी तर्क वितर्क करते थे। वे शुरू से ही भगवान को देखना चाहते थे। उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो भगवान को देखा हो, महसूस किया हो। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से दक्षिणेश्वर मंदिर में होती है और रामकृष्ण नरेंद्र से बहुत प्रभावित होते हैं। वे देखते ही समझ जाते हैं कि ये लड़का अन्य बच्चों से हटकर है। फिर स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन जाते हैं और उन्हीं के यहाँ विद्यार्जन करने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर बहुत प्रसन्न हुए थे। स्वामी जी ज्यादातर समय पूजा, पढ़ाई करना और मेडिटेशन में बिताते थे। इस सब में स्वामी जी ज्यादातर पुस्तकें पढ़ने में, अलग अलग प्रकार के और मेडिटेशन करने में ज्यादा बिजी रहते थे और वो इस दौरान इतना खो जाते थे कि खाना पानी भी भूल जाते थे। फिर उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कुछ सालों बाद मृत्यु हो जाती है। वो समय स्वामी जी के लिए बहुत तनावपूर्ण था और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे अपने गुरु की अधूरी इच्छा पूरी करूं। फिर वो सोचते हैं कि मैं अपने गुरु की अधूरी इच्छा पूरा करके ही रहूंगा और उसी दौरान वो अमेरिका जाने का निश्चय करते हैं। लेकिन वो अमेरिका जाने से पहले अपनी गुरु माता शारदा मणि के पास पहुँचे उनसे आज्ञा लेने के लिए। वो कहते हैं कि माता, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ अपने गुरु की अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए। लेकिन माँ शारदा अपने काम में बिजी रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सब्जी काटने की तैयारी करने लगी और स्वामी जी से बोली कि जरा सामने जो चाकू पड़ा है वो मुझे दे दो। फिर स्वामी जी बड़े सावधानी पूर्वक चाकू की नोक अपने पकड़ते हैं और उसका हैंडल अपने माता को देते हैं। ये देखकर गुरु माता तुरंत कहती हैं, बेटा तुम अपनी गुरु की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए अब जा सकते हो। ये देखकर स्वामी जी हैरानी से बोले, अभी तो आप तैयार नहीं थी लेकिन अचानक कैसे तैयार हो गई? तो गुरु माँ ने कहा कि बेटा, तुम स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का कल्याण करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर लोक कल्याण का भाव छिपा है। जाओ, तुम अपने काम में सफल होकर आओ। फिर गुरु माँ की आज्ञा पाकर स्वामी जी अमेरिका जाते हैं। वहाँ शिकागो में उनका धर्म सम्मेलन और वेदांत पर ऐसा भाषण होता है और वो ऐसा भाषण देते हैं कि फिर हर जगह स्वामी जी छा जाते हैं। और इनके विचार तो हर युवा के लिए एक प्रेरणा शक्ति है, एक एनर्जी बूस्टर के समान है। अगर इसे कोई अपने जीवन में अप्लाई कर ले तो निश्चित ही वह सफलता की ऊंचाई को पाकर ही रहेगा। चलिए कुछ अनमोल विचारों को देख लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वह सब कुछ जो उत्कृष्ट है वह तब आएगा जब यह सोई आत्मा आत्मचेतना के लिए प्रेरित होगी। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा इसी में झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास ही नहीं करता। इसलिए निरंतर संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते। उसी प्रकार से जो समय बीत जाता है उसे फिर आप दोबारा वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। लोगों को बोलने दो, जो उन्हें पसंद है उन्हें करने दो। अपने ऊपर विश्वास रखो, एक दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। ध्यान मूर्खों को संतों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं लगा सकते। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको एक दिन खत्म कर सकती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या फिर इंतजार करना है। तो उठिए, अपने नई ऊंचाई, नई रास्तों को देखिए और खोजिए, आगे बढ़िए।